उत्तराखंड में भी चुनावी रंग चढ़ रहा है। नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। अजय भट्ट लोगों से विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय भट्ट रोज दर्जन भर से अधिक सभाएं कर जनता से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने काशीपुर के चैती मेले स्थित माँ बाल सुंदरी मंदिर पहुंचकर माथा टेक कर जीत का आशीर्वाद लिया। प्रचार के दौरान अजय भट्ट बार एसोसिएशन में पहुंचे और कहा कि इस चुनाव का मुद्दा विकास है और सभी को विकास के लिए मतदान करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनवाया तो वहीं अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्यों को भी विस्तार से बताते हुए कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने काशीपुर से रामनगर तक फोर लेन के लिए 495 करोड़ का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जनता की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा सच साबित होने जा रहा है। काशीपुर से रामनगर के लिए फोर लेन की सड़क बनाने के लिए मैं यही की बता रहा हूँ, आज अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं, शिलान्यास करवाया है 495 करोड़ रुपए गडकरी जी ने टनकपुर में किया। नैनीताल के लिए रोप वे 1500 करोड़ रुपए उसका टेंडर हो गया है, खुलने वाला है और वहाँ की डबल लाइन बना रहे हैं, पता नहीं लगेगा कि हम नैनीताल में जा रहे हैं या तराई में जा रहे हैं, 710 करोड़ रुपए। जूली कोट से नैनी पुल तक के लिए 124 करोड़ रुपए डबल लाइन का और पुल हम बदल रहे हैं। रेल की लाइन, अब आप राजधानी जाना होगा आपको कभी या हरिद्वार जाना होगा, 2 से 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। सर्वे प्रारंभ हो गई है, अभी स्वीकृति हो गई थी रेल लाइन की, इसी बजट में उसका पैसा भी हम रख रहे हैं, डीपीआर हमारी बन रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।